वेलकम स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सेशन में हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी के, है, के टॉप 25 फाइव लेकिन आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन किया था एम बेस्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का उसका जो क्वेश्चन नंबर 26 है एम नंबर 26 जो है उसको हमने सिर्फ कहाँ तक किया था उसको हमने किया था सिर्फ सिलेक्शन uh, तक लेकिन उसको हमें एक स्टेप और आगे करना है तो उसको हम यहाँ पे रेक्टिफाई करते वो हमने वहाँ पे आधा पोर्शन किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या था आउट ऑफ सेवन कॉन्सनेंट्स फोर एंड फोर वॉवल्स हमारे पास अवेलेबल जो है सात कॉन्सनेंट्स और चार वॉवल्स है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ थ्री कॉन्सनेंस एंड टू वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड हमें बोला गया है कितने वॉवल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं जिसमें तीन कॉन्सनेंट्स और दो वॉवल्स होंगे तो तीन कॉन्सो सिलेक्ट करने के सेवन सी थ्री तरीके है और जो दो वॉवल्स है चार में से सिलेक्ट करने के फोर सी टू वे तो ये हमने वहां पे कैलकुलेट किया था ये वैल्यू तो इसका हमें आंसर जो आया था सेवन सी थ्री सेवन सी थ्री का सेवन सी थ्री का जो वैल्यू है वो थर्टी फाइव के बराबर है और फोर सी टू का जो वैल्यू है जब हम कॉम्बिनेशन की फार्मूला अप्लाई करेंगे ये आएगा सिक्स के बराबर तो थर्टी फाइव इंटू सिक्स अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा टू हंड्रेड टेन तो टू हंड्रेड टेन ऐसे वेज है जिनसे हम पाँच जो लेटर्स है जिसमें से तीन कॉन्सनट्स होंगे और दो वॉवल्स होंगे उनको सिलेक्ट करने के 210 तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं कही गई हमें वर्ड्स बनाने हैं वर्ड्स में क्या होता है उसमें अरेंजमेंट होता है तो अब जो ये फाइव लेटर वर्ड्स है जिसमें पांच पांच लेटर्स है उसको सिलेक्ट करने के 210 तरीके हैं और इन्हीं 210 तरीकों में हमें क्या करना है इन पांच लेटर्स को अरेंज भी करना है तो पांच लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं फाइव फैक्टोरियल वेज होते हैं फाइव फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 120 के बराबर तो 210 टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वह आएगा टू मल्टीप्लाई वन जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट जो आएगा 252 फाइव टू जीरो जीरो तो ऑप्शन नंबर फोर जो था वो इसका राइट uh, ऑप्शन right था तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो सेशन जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है उसकी तरफ चलते हैं तो पहला एमसीक्यू हमारा ये है प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट दूसरा ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तीसरा ऑप्शन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रेश ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है कैसे निकालते हैं वैल्यू नंबर ऑफ़ आउटकम्स विचार इन फेवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑप्शन नंबर सी तो ये था हमारा पहला एम सी नंबर टू द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग हैड ऑन एन अनबायासड कॉइन इज कॉइन का अगर हम सैम्पल स्पेस देखेंगे हेड और टेल तो हेड की प्रोबलिटी क्या हैड के कितने चांसेस आने के वन डिवाइड बाई टू हेड के फेवर में एक सैम्पल पॉइंट है टोटल में दो सैम्पल पॉइंट्स हैं तो प्रोबिलिटी का वैल्यू आएगा वन बाई टू तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट right ऑप्शन है एम सी क्यू नंबर थ्री प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग एन एवन नंबर ऑन डाईज अगर हमारे पास एक डाई होगा उसको थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये सैम्पल स्पेस है हमें निकालना है अगर इस डाई को थ्रो हम करेंगे तो एवन नंबर आने के क्या चांसेस है तो कौन कौन सा नंबर यहाँ पर एवन है एवन यहाँ पर तीन नंबर्स है पहला टू फोर और सिक्स तो एवन नंबर के फेवर में क्या है कितने नंबर्स है तीन नंबर्स है डिवाइड बाई टोटल कितने फेसेस है इस डाइस में सिक्स दैट इज़ थ्री डिवाइड बाई सिक्स कैंसिलेशन अगर करेंगे थ्री से कैंसिलेशन करेंगे तो वन बाई टू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right ऑप्शन है एम सी क्यू नंबर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन ऑन द डाइस अभी हमने देखा डाइस में वन टू सिक्स होते हैं तो सेवन इस पर आना नामुमकिन है तो जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो होगा डेट मींस इम्पॉसिबल इवेंट एम सी क्यू नंबर फाइव इफ टू क्वाइंस आर साइमल्टेनियसली वट आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने लिखा था टू रेज पावर एन क्वाइन केस में तो अगर आप दो क्वाइंस को टॉस करोगे तो एन की जगह प्लेस करना है टू या आएगा टू रेज पावर टू डेट इज इक्वल टू फोर तो चार सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में एम सी क्यू नंबर सिक्स इफ़ टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली अगर दो कॉइंस को एक साथ टॉस करेंगे वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड तो अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे हेड हेड दो कॉइंस का हेड टेल टेल हेड एंड टेल टेल चार सैंपल पॉइंट्स है इसमें हमें देखना है एग्जैक्टली exactly दो हेड्स कितनी बार आ रहा है सिर्फ एक बार आ रहा है यह है पहला केस बस वन डिवाइड बाई टोटल कितने केसेस है फोर तो वन बाई फोर इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली exactly, सॉरी इसमें वन हेड नहीं निकाल दो हेड्स नहीं निकालने हैं वन हेड निकालना है एग्जैक्टली वन हेड किस में आ रहा है एग्जैक्टली वन हेड थर्ड में आ रहा है और सेकंड में आ रहा है दो हेड्स यहां पे नहीं मेंशन किए गए हैं तो वन हेड के फेवर में कितने हैं दो है टोटल में कितने हैं टोटल में फोर सैंपल पॉइंट्स है टू बाई फोर किसके बराबर हो गया वन बाई टू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है चलते हमारे एम सी की तरफ एम सी जो है इफ़ टू क्वेंस आर टॉसाइमली रिसीव वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हैड अगर दो क्वाइंस को टॉस करेंगे सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल अब क्वेश्चन क्या पूछा है वट इज़ द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड ज्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए उससे कम भी आ सकता है उससे कम क्या होगा कोई हेड नहीं आएगा तो इसके फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स से? हैं सेकेंड वाले में देखो एक, एक हेड है थर्ड वाले में एटमोस एक हेड है और थर्ड वाले फोर्थ uh, वाले सैम्पल पॉइंट में कोई भी हेड नहीं है तो ये सारे जो है इसके फेवर में है दैट मीन्स थ्री डिवाइडेड बाई टोटल इज फोर थ्री बाई फोर जो है इसका राइट right ऑप्शन है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी एम सी क्यू नंबर एट की तरफ चलते हैं इफ़ टू कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली वट इज़ द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स फिर से सेम क्वेश्चन है सेम टाइप हेड हेड दूसरा है टेल तीसरा टेल हेड और फोर्थ टेल टेल ये है इसका सैम्पल स्पेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कोई भी हेड नहीं आना चाहिए इसके फेवर में कितने सैंपल पॉइंट्स है देखिए पहले में भी हेड है दूसरे में भी हेड है तीसरे में भी हेड है लेकिन आपको निकालनी है नो no हेड की प्रॉब्लम डेट मीन्स एक इसके फेवर में है एक सैंपल पॉइंट इसलिए आएगा वन डिवाइड बाई टोटल इज फोर ऑप्शन नंबर सी एम सी क्यू नंबर नाइन इफ़ एन कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर एन कॉइन् को टॉस किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं टू रेज पावर एन तो टू रेज पावर एन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है टू एन लिखा है ये एक्चुअल में क्या है ये टू रेज पावर एन है तो टू रेज पावर एन जो है वो इसका राइट right ऑप्शन है चलते हैं हमारे एम सी क्यू टेन की तरफ इफ फोर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाई के केस मैंने कहा था सिक्स एन होता है जनरल फार्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए तो अगर चार डाइस को हम थ्रो करेंगे तो एन की जगह रिप्लेस करना है किसको फोर को तो सिक्स रेज पावर फोर सिक्स रेज पावर फोर का मतलब सिक्स को मल्टीप्लाई करना है चार बार सिक्स को जब हम चार बार मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इलेवन इफ टू डाइस आर साइम रोल्ड देन वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इक्वल टू फोर सम कब आता है फोर टू का माँ टू एक केस आएगा दो डायस के केस में थ्री का माँ वन आएगा और वन का माँ थ्री आएगा तो ये तीन केसेस फोर के फेवर में हैं तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी दैट मीन्स थ्री डिवाइडेड बाई टोटल कितना होता है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटीज होती है दो डाइज में थ्री बाई थर्टी सिक्स थ्री वन थ्री वन थ्री टू वन बाई टवेल्व जो है इसका राइट right आंसर है वन बाई ट्वेल्व एम सी क्यू नंबर तरफ चलते हैं अ क्वाइन इज़ टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली एक क्वाइन थ्रो किया जा रहा है टॉस किया जा रहा है और उसके बाद एक डाइस को भी थ्रो किया जा रहा है वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं सबसे पहली बात अगर हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है लेकिन डाइस के केस में क्या आ सकता है वन हेड टू हेड थ्री हेड, फोर हेड फाइव हेड, सिक्स या आएगा टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव एंड टेल सिक्स तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है ट्वेल्व पॉसिबल आउटकम्स है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है एम सी क्यू नंबर थर्टीन अ क्वाइन इज टॉस्ट एंड इफ हेड कम्स देन अ रेड डाई इज रोल्ड अगर कॉइन पे हेड आया तब रेड डाई थ्रो किया जाएगा एंड इफ टेल कम देन अ ब्लू डाई इज रोल्ड अगर इसी कॉइन पर टेल आया तब ब्लू डाई को थ्रो किया जा रहा है रोल किया जा रहा है वट इज़ दॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स फिर से वही सेम अगर हेड आएगा तो रेड वाला डाई इस पर वन आएगा एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर इसमें भी क्या है टेल फाइव और टेल सिक्स इसमें भी सेम आउटकम्स है सिर्फ कलर में वेरिएशन है तो इस इसमें भी कितने आउटकम्स आएंगे ट्वेल्व आउटकम्स आएंगे एम सी क्यू नंबर फोर्टीन सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एवेंट नहीं एम सेट नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस वो सेट जिसमें सारे सैम्पल पॉइंट सारे आउटकम्स होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस और डिनोट किया जाता है एस से एम सी क्यू नंबर फिफ्टीन एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नोन एज इवेंट एम सेट नहीं सैम्पल स्पेस नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं इवेंट उसको बोला जाता है डेफिनेशन पे बेस्ड है नेक्स्ट एम सी क्यू सिक्सटीन विच सिम्बल डिनोट द इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट जो है उसको किस सिम्बल से डिनोट किया जाता है एस एस से डिनोट किया जाता है सैम्पल स्पेस को फाइ से उसको डिनोट किया जाता है तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन है एम सी क्यू नंबर सेवनटीन विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सा वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता प्रोबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई जो है वो या तो वन या वन से छोटा होगा जीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा पहला ऑप्शन करेक्ट है थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है तो कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का वो है ऑप्शन नंबर टू माइनस वन प्रोबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एम नंबर एटीन इफ एन इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट देन इट is कॉल्ड सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट हो गया वो इवेंट जिसमें कोई सैम्पल पॉइंट ना हो श्योर इवेंट हो गया वो इवेंट जिसमें सारे सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हो और कंपाउंड इवेंट हो गया जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हो एम सी क्यू नंबर नाइनटीन वट इज़ द कंप्लीमेंट्री फॉर एट लीस्ट वन हैड अपीयर्स इफ टू कॉइंज आर एट लीस्ट वन हेड सबसे पहले सिंपल स्पेस बनाएंगे हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कम से कम एक हेड आना चाहिए दो हेड भी आ सकते हैं तो ये इसके फेवर में है ये इसके फेवर में है ये इसके फेवर में है अच्छा कंप्लीमेंट क्या हो होगा कंप्लीमेंट गया इसको छोड़ के बाकी इन तीन सैंपल पॉइंट्स को छोड़ के इस सैंपल स्पेस में बाकी कितने सैंपल पॉइंट्स हैं सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है तो इसी का हमें निकालना है इफ टू क्वाइंस आर टॉसड साइमेट्री हमें निकालना है कम्प्लीमेंट किसका एट लीस्ट वन हेड का तो ऐट लिस्ट वन हेड का कंप्लीमेंट आएगा नो no हेड कोई भी हेड नहीं आना चाहिए एग्जैक्टली वन हेड नो ये राइट right ऑप्शन नहीं है एट लीस्ट वन टेल ये भी राइट right ऑप्शन नहीं है एट लीस्ट वन हैड क्वेश्चन में पूछा गया है एट लीस्ट वन हैड कम से कम एक हैड एट मोस्ट वन टेल अपीयर्स ये भी राइट right ऑप्शन नहीं है तो राइट right ऑप्शन में क्या है नन हेड अपियर्स कोई भी हेड नहीं आना चाहिए ये इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट है चलते हमारे एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी की तरफ एवेंट ए और बी इज रिप्रेजेंटेड बाय और जो है उसको यूनियन से दिखाया जाता है ए और बी या तो ए या बी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है एंड बी नॉट का मतलब बी प्राइम का मतलब है नॉट ए प्राइम का मतलब है ए नॉट एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी वन एवेंट डैश कंटेन्स एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एज वेल एज ए वो इवेंट जो वो वो इवेंट जिसमें एलिमेंट जो होंगे ए में भी होंगे बी में भी होंगे दोनों में प्रेजेंट होंगे उसको दिखाया जाता है एंड से ए एंड बी इसका मतलब एलिमेंट जो है ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है कॉमन एलिमेंट्स एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी टू इवेंट ए बट नॉट बी इसको दिखाया जाता है इवेंट ए बट नॉट बी ए में है लेकिन बी में नहीं होगा इसमें इसको दिखाया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट चलते हमारे एम सी क्यू ट्वेंटी थ्री की तरफ इवेंट बी बट नॉट ए इवेंट बी बट नॉट ए इसको दिखाएंगे ए नॉट इंटरसेक्शन बी से एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी फोर if e and f are two events associated with same sample space of a random experiment then conditional probability of e when f is already done is given by अगर E और F जो है दो इवेंट्स है और सेम सैम्पल स्पेस में आकर हो रहे तब हमें निकालना है E के होने के कितने चांसेस है जब F ऑलरेडी हो चुका होगा इसको हम कैसे लिखते हैं किस फॉर्मला से लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं ऑप्शन ए जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेकिन नीचे वाला प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो पहला ऑप्शन जो है इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यू आज का लास्ट एम सी क्यू गिवन डैट ई एंड एफ आर इवेंट साइज डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज पॉइंट सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज पॉइंट थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ e intersection f is 0.2 then probability of e conditional f is अभी हमने formula देखा probability of e conditional f किसके बराबर होता है probability of e intersection f divided by probability of f तो e intersection f का वैल्यू क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय probability of f का वैल्यू क्या है 0.3 जीरो पॉइंट टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री हो गया टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री जो है इसका राइट right ऑप्शन है तो ये था हमारा आज का वीडियो इन सभी वीडियोस के पीडीएफ जो है अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए थैंक यू